अरे आखिर हमार से गुनाह का भे गई ने भुर्रा हाँ? कि सारा लगन कर गुस्सा तू हमार पे उतारा थियो। का गुनाह भाईल कहा थियो डुमन तू हाँ? का गुनाह नाई भाईल वो बोलाओ हाँ? हमारा के जिये नाई दिया नी हमारे साई सारे नानाद हमारे जीना हराम कर के राख दले हमन हराम। आखिर भाईल का स्कूलवा से आए के हम घर नहीं छे घुसल, अरे तू हमार से झगड़ा करे लागलो भाईल का साइस ननन कर ले का तोरा साथी तो बताओ हमरा के पूछ अपन बहिनिया रे मां तारी से पूछ का कर ले हमन अरे का नहीं कर ले हमन का टुकुर टुकुर देखा थियो सासू अम्मा बताई अपन बेटा के का करतब कर के रवा बेटी नहिया से आइले हाय हाय रे हमार किस्मत कबो नहीं सोच ले रही कबो नहीं कि हम ससुरारी से नहीं आ रही तो हमरा के घुसे नहीं दी हमार भौजाई से कबो नहीं सोच ले रही। ये हमारे बिटिया अभी तोरा मातारी जिंदा है काहे खातिर मान के इतना छोट करा थी हम बात करा थी भसार काटा से हम बात करा थी तू हम तक मान के छोट ना कर ना रे अम्मा कुछ ना बोल जैसन हम आइले ही वैसने चली जाती लेकिन ना घर में लड़ाई झगड़ा करा रे अम्मा हमरा के अब बर्दाश्त नहीं के भेती सब देखल देखल का करी का रे बेटा उजागर तोरा विचार का है तो भी मेहरारू कर बात सुनबे कि हमार बात सुनबे ये बताओ ये हमार विचार है उरार बेटा ढुमन कर भी विचार है सुन ली ना अम्मा जी ज्यादा बेटा से विचार विचार ना पूछी चुप कर तो भतार काटा चुप कर हमार बेटा से हमरा से बात करे दे सुन ला ढुमन सासू अम्मा कुछ भी बोली जुगुरु छल्ला दीदी के नहियारे में राखे के बारे में तू कर में सलाह ना दियो जुगुरु छल्ला दीदी ना रही हमार घर में तो ना रही। हमारा के तो कोई मजरा समझ में नहीं आवत अम्मा आखिर भाई लिखा जुगुरु छल्ला दीदी के भी अचानक ससुरारी से आवे काहे पड़ गई नहीं यार लक्षण एगो भी लक्षण अच्छा है जो ससुरारी में टीकी जुगुरु छल्ला दीदी ये बेटा हमारा बात सुन हमारे बेटी के शरीर ये ऐसा है कोनो काम धंधा नहीं सब केला करे खातिर तो गेकर होवे ना दियो देवरानी के होवे ना केकर गोतनी भला वही खातिर नहीं सब केला कोनो काम धंधा करे तो खूब खली खोटी सुनावेलन गलत बात सब झूठ बात है अम्मा जी जुगुरु छल्ला दीदी ससुरारी में महारानी महारानी बन के रहे चाहेला आई हो दादा तू कितना दिन हमारे ससुरारी में रहू हो भौजाई जे तू देख लेलू कि हम ससुरारी में महारानी बन के रहे खोजीला हाँ हम एक ही दिन में सब कुछ देख लेली का बताई अम्मा जी हम का बताई जुगुरु छल्ला दीदी के जीजा जी कर गोड़वा से दबुआही टंगरी में टंगरी चढ़ाई के अरे जीजा जी से गोड़ दबुआही सब माथा दबुआही सब सेवा करवावे ना जीजा जी से जुगुरु छल्ला दीदी ससुरारी में। हाँ तो का भे गई हमार तनिक सेवे कर दीस गोड़े दबाए दीस तो हमारे दूल्हा है तनिक सेवे कर दीस तो का भे गई हो भौजाई हाँ बेटी दमाद हवन दुख सुख में हमारे बेटी दमाद के काम आई हमारे दमाद बेटी के काम आई तू कहना कौन ऐसा बड़ बात भे गई। अच्छा बेटी के अगर दमाद खूब सेवा करे तब बहुत बढ़िया अरे बेटा अपन पुतौ के करे खूब सेवा तब बहुत खराब नहीं यह नहीं हमरा के सिखावती हुआ माँ जी दुमन हमरा के पैर और हाथ और हमार मुड़वा दबावे लगी तब तो कहब रवा लोगन ने दियो कि हाँ रे बेटा जोरू के गुलाम हो गए ले जोरू के गुलाम। पूरे सुन ढेर हमार जगह बहस करे का टाइम नहीं के आखिर करे का हाई साफ साफ बोल हमरा के क्लियर सुना हमार बात दुमन जुगुरी छल्ला दीदी जैसा ने ससुरारी से आई है नहीं यार वैसे एकदम घर से निकले जाए कह दा नहीं हमार बिटिया नहीं जाए रही हमार घर में हमार बिटी के हम रखब। अच्छा ये बात है तो दू जन में एक ही जन के चुनब बेटी चाहे पुतौ ई घर में बेटी रही की पुतौ अगर ई घर में जुगुरु छल्ला दीदी रह गई ले डुमन तो हम तो ई घर में रहब नहीं। अरे भला ऐसा होवे ना अगर हमार जुगुरु छल्ला दीदी रहिए जाई तो तू कहां चले जाइबू हमो चली जाइब नहीं यार लेकिन नहीं रहब हम जुगुरु छल्ला दीदी जब जब आवेला तब तब घरवा में लड़ाई लगावेला। ये बेटा दुमन फैसला कोनो उल्टा सीधा ना लियो हमार बेटी रही तो रही अम्मा देख हम हो अब अपन घर और परिवार देखब हमारे मेहरारू पहले है हमारे दीदी जुगुरु छल्ला बाद में जान ले हम पहले मेहरारू देखब। अरे बेटा तू भी ऐसा भाषा बोले लागले हाय कब्बो नहीं सोच ले रही कब्बो नहीं हाय कहां जाय हमार बिटिया रे बेटा हमार एगो भाई रहे एगो वो भी आज इतना बड़ बात बोल दीस रे अम्मा अब तो एक मिनट ही घर में हम टीक अपनाई। हाँ जा जा जहाँ जाए के है वहाँ जा हमरा के घर में रोज रोज लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं पड़ेला जा दीदी जा। हम का करी हमारी बुढ़ापा उमरिया में तो हम तबाह भेजेली तबाह ऐसे न पूता घुसल हमार घर की